नमस्कार, हम आजमी बाजरे की मसाला रोटी बनाऊंगी। विंटर में बाजरे की रोटी बहुत ही लोग पसंद करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बाजरे के आटे में 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे, 1 चम्मच घी ऐड कर देंगे। अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। जब भी हम बाजरे की रोटी बनाते हैं तो उसके आटे को हमें बार बार मसलना पड़ता है। मसलने से जब भी हम रोटी बनाते हैं तो वो फटती नहीं है। तो बाजरे की रोटी हम जब भी बनाएं तो उसके आटे को हमें एकदम मसलना है। 2 से 3 मिनट तक हमें इसे मसलना है। जितना पानी हमें चाहिए धीरे धीरे करके उसमें हम पानी ऐड करेंगे और मसलेंगे। मैं यहाँ 2 तरह से बाजरे की रोटी बनाऊँगी, एक मैं चकले की मदद से बनाऊँगी और एक हाथ से बनाऊँगी। तो जिसको भी हाथ से रोटी नहीं आती वो चकले की मदद से बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो अब जो हमारा आटा है वो बहुत ही अच्छी तरह से हमने मसल लिया है, उसका हम गोला तैयार कर लेंगे। इस तरह से चकले में हम बाजरे के आटे को इस तरह से फैला देंगे जिससे कि जो रोटी है वो चिपके नहीं। तो इस तरह से हमें फैला देना है और जो हमने गोला बनाया है उसको हम इस पर रख देंगे और हथेली की मदद से इस तरह से हम गोल गोल घुमाकर बाजरे की रोटी तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है रोटी बनाने का। तो जो बिगिनर्स हैं वो इस तरह से बाजरे की रोटी बना सकते हैं। हाथ से भी ये आसानी से बन जाती है, लेकिन इससे इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो हमने यहाँ पे रोटी बना ली है। इस तरह से हम हाथ में इसे ले लेंगे और मिट्टी के तवे पर हम इसे सेकने के लिए रख देंगे। दोनों साइड से हमें इसे सेक लेना है। गैस को हम धीमी आंच पर रखेंगे, धीमी और मध्यम आंच पर रखेंगे। अब हम दूसरे तरीके से रोटी बनाएंगे। तो हाथ में हमें इस तरह से गोला लेना है और थोड़ा सा पानी हाथ में लेना है। दोनों हथेलियों की मदद से हमें इस गोले को इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से बनाते जाना है। तो ये भी बहुत ही आसानी से बन जाती है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही हम इस तरह से भी बनाना आसानी से सीख सकते हैं। तो रोटी बनके तैयार हो चुकी है। हाथों की मदद से अब हम इसके किनारों को अच्छी तरह से बना लेंगे। रोटी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम मिट्टी के तवे पर इसे डाल देंगे और दोनों साइड से धीमी आंच पर इसे सेक लेंगे। विंटर में ये सब्जियों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। हम अकेले बाजरे के आटे से भी इसे बना सकते हैं और इस तरह का मसाला डालकर भी हम बना सकते हैं। ये अच्छी तरह से सीखने के बाद हम इसमें बहुत सारा घी लगा देंगे और गर्मा गर्म सब्जियों के साथ खाएंगे। तो हमारा मसाला रोटी बाजरे का बनके तैयार हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो की रेसिपी आपको मिलती रहे।